हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल किटी सिंगर्स। तो आज हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे सो आप लोगों को दिखाएंगे और कैसे बनाते हैं हम। तो बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है गाइज मोमो, तो आप लोग भी देखिएगा कि हम कैसे मोमो बनाते हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं मोमो बनाने का। तो देखिए क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो एंड ये रहा अदरक, तो इसको अच्छे से मतलब ग्राइंड कर लेंगे इसको। एंड इसको भी बारीकी काट लेंगे प्याज को, एंड गाजर को भी कद्दूकस कर लेंगे। सो ये रहा न्यूट्रॉल, आई मीन सोयाबीन भरी। तो सोयाबीन भरी को फुला करके एंड ग्राइंड कर लेंगे इसको भी, और इसको बंधा को बारीकी कट कर लेंगे। तो इसको बारीकी कट करने के बाद आप, तो ये मेरा बंधा पूरा बारीकी कट हो चुका। एंड इसमें अब नमक डालेंगे। इसमें नमक डालने के बाद इसका जितना भी बंधा गोभी का पानी है वो निकल जाएगा। और इसमें बस 5 मिनट इसको नमक डाल करके छोड़ना है, और 5 मिनट के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। तो ये 5 मिनट हो गया गाइस। सो इसको अब हम अच्छे से इसमें से पानी निकाल लेंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट खाने में तो बहुत मजा आता है। मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है, और ऐसे भी सभी लोगों को पसंद है, और सभी लोगों को पसंद होता ही है मोमो। सब लोग ही होंगे उन लोगों को पसंद नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से सभी लोगों को मोमो पसंद है। तो इसमें से पानी पूरा निकाल लिए हैं। सो आप लोग देखिए कितना पानी निकला है, देखिए कितना पानी निकला है गाइस, बहुत पानी निकलता है इसमें से। एक बंधा कट किए उसमें इतना निकला। अगर आप सूप बनाना है तो इस पानी को सूप भी बना सकते हैं, और नहीं बनाना है तो फेंक सकते हैं, क्योंकि ये पानी यूज हो जाता है इसमें का पानी, और अच्छा ही रहता है। तो और देखिए ये रहा कुछ ऐसा हुआ। तो ये तो पहले कितना ज़्यादा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा दिख रहा था, एंड अभी तो कितना कम हो गया। सो देखिए अब आगे, और ये पूरा हम इसको कट कर लिए। तो ये आपका रहा बंदा जो पूरा पानी इसका निकाल लिए। एंड ये रहा न्यूट्रॉल, तो सोयाबीन बरी को ग्राइंड कर लिए हैं पूरा। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। एंड ये रहा गाजर, तो गाजर को कद्दूकस कर लिए, सो इसको बारीकी कट लिए, प्याज कर लिए। और ये रहा अदरक का पेस्ट, तो इसमें अदरक का पेस्ट स्वाद के लिए ही दिया जाता है, एंड ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि अदरक बहुत हार्म भी करता है, गर्म भी होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालते हैं। और हाँ गाइस, इसमें बहुत लोग ना ये डालते हैं अजीनामोटो। सो अजीनामोटो आप लोगों को भी पता है कि नहीं खाना चाहिए, एंड हम तो घर में बना रहे हैं, और मार्केट में तो बनता है, तो उन लोग अजीनामोटो डालते ही हैं टेस्ट के लिए, और जल्दी ये सब गलाता है। सो हम अजीनामोटो यूज नहीं करेंगे। तो ये पूरा मिक्स करना है अच्छे से, सारे कुछ इसमें डाल दिए हैं, गाजर एंड बंधा गोभी और बारीकी कटा हुआ प्याज, अदरक पेस्ट, और इसमें स्वाद अनुसार बस थोड़ा हल्का सा इसमें रिफाइंड डालते हैं, और मैदा आटा में भी इसमें कुछ नहीं डलाएगा।
इसमें मैदा आटा में गैस, इसमें सिर्फ नमक डलाएगा और रिफाइन नहीं डलाता है, तो नमक डाल करके और इसको अच्छे से सान लेंगे और उसके बाद देखते हैं। हाँ, ये आटा को फिर ऐसे छोटा छोटा गोला बना लेना है और पूरा में इसमें ऑयल लगा देंगे रिफाइन, और ऑयल लगाने के बाद मोमोज बनाएंगे। और रिफाइन ऑयल इसलिए लगा दे रहे हैं कि मोमो बनाने के बाद इसमें रखेंगे ना तो चिपक जाएगा, तो इसमें ऑयल लग जाएगा तो नहीं चिपकेगा। तो इसमें सारा सामग्री मिक्स कर दिए हैं, नमक भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिए एंड अजीनोमोटो मिक्स नहीं किए। इसलिए मिक्स नहीं किए कि वो तो हार्मफुल है, आप लोग को भी पता है, और इसलिए उसको हम इसमें नहीं यूज किए हैं। तो कोई नहीं, फिर भी अच्छा मोमोज बनता है और अच्छा ही बनेगा। तो देखते हैं आगे मोमो बनाते हैं। देखिए मोमो हम बना लिए इसमें, और ये ऐसा डिजाइन है कुछ, और कुछ ये ऐसा डिजाइन है, दो तरह का बनाए हैं, दो तरह का डिजाइन। सो हम पानी से यहाँ खोल गया है, तो पानी खोल गया है, तो इसमें हम रखते रहे इसके ऊपर एंड ढक देंगे। तो ये टमाटर है और ये मिर्च है, तो मिर्च रेड लाता है, लाल मिर्च, तो हम हरी मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि लाल मिर्च हम लोग
नहीं खाते हैं तो इसलिए हम हरी मिर्च डाल रहे हैं और टेस्ट तो वही आता है, बस एक ग्रीन टाइप में दिखता है, वो रेड दिखता है। और क्वांटिटी अनुसार लहसुन डालेंगे तो लहसुन थोड़ा और इसमें आएगा। पूरा चटनी बना करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखते हैं मेरा मोमोज रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो बन गया, रेडी हो गया। बनने के बाद बड़ा बड़ा हो जाता है, पहले कितना छोटा था, अभी देख सकते हैं कितना बड़ा दिख रहा है। एक मक्खी अभी और है, इसको बनाना है, बन गया। आ सकते हैं खाने। तो मेरा चटनी रेडी हो चुका है, अब चले चलते हैं खाने, देखते हैं खाकर कैसा। तो रेडी हो गया, बहुत टेस्टी, सो यम्मी। एंड आप लोग भी आ सकते हैं गाइस, आप लोग भी आइए खाने मोमो मेरे हाथ का बना हुआ। सो मोमो मुझे बहुत पसंद, बहुत पसंद, बहुत टेस्टी बना, बहुत। तो आज का इन तक, आज का यहीं तक का सफ़र है, तो कल मिलेंगे कल का नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग लाइक्स क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक्स तो कर दिया करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।